आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। अनूपपुर जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी ने संगठनात्मक बैठक का आयोजन किया। बैठक में सम्मिलित होने कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल प्रभारी अनूपपुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। राष्ट्रीय सचिव के स्वागत में पुष्पराजगढ़ कांग्रेस विधायक पुंदेलाल सिंह मार्को ने आदिवासी अंचल का लोकल शैला नृत्य के कलाकारों ने शैला नृत्य कर राष्ट्रीय सचिव का स्वागत किया। वहीं पुष्पराजगढ़ कांग्रेस विधायक पुंदेलाल सिंह मार्को के साथ अन्य सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता ने पुष्पगुच्छ देते हुए राष्ट्र सचिव का स्वागत अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत में कांग्रेस राष्ट्र सचिव प्रभारी अनूपपुर सीपी मित्तल स्व सहायता भवन पहुंचकर सर्वप्रथम महात्मा गांधी की प्रतिमा पर क्षेत्र विधायक जिला कांग्रेस के अध्यक्ष पुंदेलाल सिंह मार्को तथा जिला कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जनपद उपाध्यक्ष संतोष पांडे द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष एवं विधायक पुष्पराजगढ़ पुंदेलाल सिंह मार्को ने सर्वप्रथम पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के ज्वलन समस्याओं से राष्ट्रीय सचिव सीपी मित्तल को अवगत कराते हुए बताया कि पुष्पराजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान समय में आम जन मतदाता को भीषण समस्याओं से जूझना पड़ रहा है, जिसमें रीवा अमरकंटक मार्ग में पड़ने वाले किरर घाट मार्ग जो क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रतिबंधित होने से आमजन को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। कार बहुत ही धीमी गति से चल रहा है, जिसका खामियाजा पुष्पराजगढ़ के साथ जिले और संभाग की जनता को उठाना पड़ रहा है। पुष्पराजगढ़ से अनूपपुर मुख्यालय आवागमन करने हेतु घूमते मार्ग में भारी भरकम किराया देकर अनूपपुर शहडोल कार के लिए जाना पड़ रहा है, जो आम लोगों की परेशानी का सबब बन रहा है। इसके साथ ही ग्राम पंचायत पटना लांघा टोला से सरई मार्ग, जिसकी दूरी लगभग 50 से 52 किलोमीटर है, उपरोक्त रोड मार्ग गड्ढे में तब्दील हो गया है। MPRDC की निविदा के बाद भी कार प्रारंभ नहीं हो किया गया पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के जनमानस को अशुभ का संकेत दे रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्र सचिव सीपी मित्तल प्रभारी अनूपपुर ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत देश में भारतीय जनता के केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार भाजपा की है, अनूपपुर जिले में मंत्री है, संभाग में मंत्री है, इसके बाद भी क्षेत्र की समस्याएं आमजन मतदाता को भारी पड़ रही है। आमजन महंगाई से त्रस्त है, डीजल पेट्रोल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, बस का किराया बढ़ रहा है, सड़क मार्ग अपने जीर्णोद्धार के लिए तरस रही है, प्रदेश के मुखिया झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे, हमारा आने वाले आगे चुनाव में कमलनाथ की सरकार बनाएंगे और जनता जरूर शिवराज सरकार को सबक सिखाएगी। अनूपपुर से चेतन गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा आदरणीय अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव सीपी मित्तल जी और प्रभारी अनूपपुर के हैं। जैसा कि प्रभारी का जो महीने में एक बार दौरा होने का माननीय राहुल गांधी जी ने जो तय किया है, उसी के आधार पर आज हमारे अनूपपुर ज़िले के तीनों विधानसभाओं में हमारे सेक्टर, हमारे मंडलम और बूथ का जो मैनेजमेंट है, उसमें जो हमारे पदाधिकारियों का बनाने का जो पार्टी ने माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष ने जो निर्देश दिया था, इसी के संबंध में ये तीनों विधानसभा में बैठक हुए और इसमें हमारे मंडलम सेक्टर और बूथ के लोग आज इकट्ठा हुए। उन्हीं से वो बात कर रहे थे कि तीनों विधानसभाओं में इनका गठन कर लिया गया है कि नहीं। ये तमाम उन्होंने निर्देश भी दिया है कि जहाँ जहाँ जो नहीं हुए हैं, जिन विधानसभाओं में जो कमियाँ हैं, उन पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है कि अपने सभी मंडलम सेक्टर और ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों को भी, हमें भी उन्होंने निर्देश किया है कि ऐसे मंडलम सेक्टर जहां काम नहीं हुए हैं, उनको तत्काल करा लिया जाए और प्रदेश का कार्यालय को उसकी सूचना भेजें। आज पुष्पराजगढ़ विधानसभा में सभी आदरणीय कार्यकर्ताओं के बीच में हमारे प्रभारी सीपी मित्तल जी ने अपने विचार रखे हैं। सभी कार्यकर्ताओं को डटकर के भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावने भाषण राशन इस तरीके से लोगों को गुमराह कर रहे हैं, बढ़ती भ्रष्टाचार, शिक्षा और हमारे बेरोजगारी, और जिस तरीके से हमारा देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जब डबल इंजन का सरकार जिस देश और प्रदेश में चल रहा हो, तो इतना ज़्यादा जो भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, बढ़ती महंगाई जिसका जो हमारे डीजल पेट्रोल के दाम जो दैनिक जीवन में जो व्यक्ति उपयोग कर रहे हैं खाने की समर्थ, चाहे वो तेल का हो, राई तेल हो, किसी भी तेल का हो, इतनी महंगा 200 लीटर दैनिक मजदूरी से भी हमारे ज़्यादा महंगाई तेल की है। तो इस तरीके से आज पूरे